सो गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन से एसएसडी के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर करना है आईफोन का ओरिजिनल अडेप्टर, लाइटनिंग टू यूएसबी 3 अडेप्टर का नाम है। 4000 रुपये का ये अडेप्टर आएगा। कोई भी डुप्लीकेट अडेप्टर आईफोन के साथ कंपेटेबल नहीं रहेगा। तो आपको यही अडेप्टर ऑनलाइन आईफोन की ओरिजिनल साइट से ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने अडेप्टर के साथ सबसे पहले तो एक पावर सोर्स कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया था पावर बैंक, बट पावर बैंक काम नहीं करता, तो आपको यहाँ से अपना आईफोन का चार्जर ही यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी साइड आपको अपनी एसएसडी या हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है। उसके बाद अपने अडेप्टर को अपने फ़ोन के साथ जोड़ देना है। मैंने यहाँ पे आईफोन से साथ यहाँ पे एसएसडी के साथ जो मेरे पास है वो सैमसंग की एसएसडी है, उसके साथ मैंने पावर बैंक को चला के देखा, बट पावर बैंक उसको इतनी इनफ पावर नहीं देता रहा। लेकिन जैसे ही मैंने अपना आईफोन का ओरिजिनल अडेप्टर लगाया तो जो एसएसडी है वो चल पड़ती है मेरे साथ। देख सकते हैं लाइट भी आ रही है, तो फोन में भी देख सकते हैं कि एसएसडी काम कर रही है। तो अगर आपको भी अपनी एसएसडी कनेक्ट करनी है तो आपको भी ये अडेप्टर मंगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास आईफोन का ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए। सारी कनेक्शंस के करने के बाद आपकी एसएसडी चल जाएगी।